माय डियर फ्रेंड्स, देखिए नया वीडियो है आदरणीय मनोज इलेक्ट्रिशियन जी का। कुछ कारणवश आदरणीय विनय वर्मा जी अनुपस्थित हैं, अभी 3-4 दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे, तो उसके लिए मैं अभी रोजाना सर से निवेदन करता हूँ कि रोज़ वीडियो बनाएंगे हम। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, टाइम ट्रेवल। तो सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि भविष्य में वैज्ञानिक लोग समय यात्रा किस प्रकार करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ से जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इसके लिए क्या रहता है, और इंडिया में जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने समय का महत्व नहीं देते। अगर उनको इंटरेस्टिंग अगर किसी भी तरीके से, तो किसी भी साधन से वो इस जगह पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि आपका पुष्कर इतना अच्छा जगह है, जहाँ राजस्थान में पुष्कर, वहाँ देखने के लायक एक से ऐसे चीज़ें हैं जो सिर्फ मंदिर से ही संबंधित नहीं है। वहाँ जितने भी क्या बोलते हैं इसको, विधान क्या बोलते हैं, बावड़ी नहीं, पुराने किला जमाने के किला वगैरह हैं वो भी वहाँ सम्मिलित है। और उसका राज्य राजा मान सिंह से ही चालू हुआ है, और दार्शनिक स्थल देखने के लिए तो काफ़ी रूप से वहाँ और इंडिया जाते हैं। तो एक पुष्कर ही नहीं है, अपने एरिया में बहुत सारी जगह। अच्छा, रही बात टाइम टेबल, आपने प्रश्न किया टाइम टेबल, समय यात्रा उन्होंने समय का लोकेशन एकदम आंतरिक रूप से करते हैं। जैसे कि धूप में देखना, धूप में उन्हें विशेष रूप से कोई चीज़ आकर्षित रूप से दिखता है सूर्य के प्रकाश से, और रात में लाइटिंग में, तो ऐसे सब चीज़ का समावेश होकर के उन्हें दर्शन शास्त्र वैज्ञानिक लोग ही जाते हैं ऐसे चीज़ में। टूर एंड ट्रेवल्स का काम दार्शनिक लोग ही करते हैं। सामान्य व्यक्ति इसको समझने में गाइड करना पड़ता है, गाइड के इसमें इंग्लिश भी जाता है, समस्त भाषा का ज्ञान रहता है गाइड के माध्यम से। एक ही भाषा का नहीं रहता है, इंग्लिश हिंदी नहीं रहता है, समावेश कई भाषा का ज्ञान रहता है, इसके विशेष प्रकार से गाइड आता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये विशेष प्रकार का यंत्र बनाना पड़ेगा। यंत्र नहीं, हाँ। गाइड मतलब आदमी ही है जो जानकारी देता है, एक रोबोट टाइप। हाँ, जानकारी देता, पूरा जानकारी देगा उसके बारे में, तभी जा सकते हैं। तभी जा सकते हैं। और समयाविधि यही है उनका, सुबह का समय और शाम का समय और दोपहर का समय, तीनों समय पर्याप्त रहता है। और रात्रिकालीन में लाइटिंग में देखते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे आज के वैज्ञानिक को अगर यहीं बैठे बैठे पीछे जाना है 1906 में, तो कैसे जाएंगे? क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि समय से पीछे भी जाया जा सकता है, आगे भी जाया जा सकता है। तो उसका भूतकाल के संबंधी बात करते हैं ना, कि गाइड से जानकारी लेते हैं, तब उनको जानकारी होती है पिछले में जाते हैं, उसमें से केंद्रित होकर के पुरातन केंद्रित को अपने आंतरिक समावेश में वर्तमान में लाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ आपका पिछला है, और उस चीज़ को ना सामने लाने के बाद में वर्तमान में उस चीज़ को समावेश करके ओपनिंग करते हैं। पुराना कैसे था और उस चीज़ को मॉडलिंग के रूप में निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा सबको, बिल्कुल अलग जवाब है ये, बिल्कुल हट के जवाब है, कोई किसी ने अभी तक ऐसा जवाब नहीं दिया है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, कोई गाइड रहता है, बिना गाइड के नहीं जा सकता, कोई ना कोई एक व्यक्ति रहेगा या रोबोट रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा, ऑपरेट करेगा, लेकिन रहेगा, ऑपरेट जरूरी है, तब पुराने से नए भी जाएगा, नए से पुराने भी जाएगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे समय यात्रा कर सकते हैं, अब इसके सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे और इसके बारे में जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।